सब लोगों को आदाब। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कराची के जितने मेंबर हैं, स्पेशली आला जी को मैं ये मुबारकबाद दूंगा कि ये 15वां साल बड़े ही खूबसूरती से आप लोगों ने इसका इत्तेमाम किया। तीनों दिन ही बहुत अच्छा गाना बजाना हुआ माशाल्लाह। सब लोगों ने अपनी जो कंट्रीब्यूशन थी वो बड़े खूबसूरती से दी। तुराब बहुत अच्छा बजाए, हमारे पॉल साहब यहाँ बैठे हैं कल, बहुत अच्छा सितार बजाया। और गाना बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजेदार, बड़ा अच्छा सुर में और एक तासुर। और ये मेरे तुराब भाई, छोटे भतीजे भांजे जो भी कहेंगे आप, शेरोज भी कहते हैं, और हमारे दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन जो क्लासिकल म्यूजिक को बहुत प्रमोट कर रही है, तहजीब फाउंडेशन से ताल्लुक, शरीफ इमाम साहब, और मेरे जो फनकार भाई हैं सारे, बशीर खान साहब। खान साहब इधर आ जाइए, बशीर खान साहब ये ले लेते, चले गए जी। मैं तो उस दिन तक डर गया, अभी मैं बैक स्टेज पे बात कर रहा था कमर भाई से, सॉरी करम अब्बास साहब से, वो कहते गल समझ आ गई है कि आर्टिस्ट जितने भी आज इस वक्त हमें जो फनकार लोग हैं, हमें आप लोगों की जो सुनने वालों की तो जरूरत है, और वो आप लोग पूरा कर रहे हैं, ऐमान साहब आयला जी इसको बंद कर रहे हैं। हमें आर्टिस्टों पे ये लाजमी एक फर्ज है कि एक दूसरे को सुनना। ये थोड़ी सी इसमें कमी आ गई है, बहुत कमी आ गई है, और मेरा ख्याल में हमारे जवानी या बचपने के दौर में मुझे याद है कि सब बड़े बड़े आर्टिस्ट एक दूसरे को सुनते थे, इवन वो एक दूसरे को उस तरह से दोस्ती नहीं भी थी, लेकिन सुनने जरूर जाते थे, क्योंकि उनकी पर्सनली कोई उसमें कोई ऐसा नहीं था कि किसी को हर्ट करना है, काम के काम का, और उससे काम बड़ा अच्छा हुआ उस जमाने में। तो ये हम आर्टिस्टों पे एक फर्ज है कि हम एक दूसरे को बैठ के सुने और अप्रिशिएट करें और क्रिटिसिज्म भी करें, क्रिटिसिज्म भी बड़ा जरूरी है। खान साहेब, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और कराची स्पेशली पिछले कुछ सालों में कराची में बड़े अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं, जो इंतजामिया आप लोगों की, और आर्टिस्ट माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सितार प्लेयर बैठे हैं, मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो बस यही एक इंशाल्लाह इसी तरह आप लोग इसको जारी रखें, और जो हमारी जो हम हमारा फर्ज है एज ए फनकार आर्टिस्ट, कंट्रीब्यूशन जो हम कर सकते होंगे वो जरूर करेंगे, जरूर करेंगे नहीं करना ही है, हमें तो काम करना ही करना है, और इंशाल्लाह अल्लाह इसी तरह हमारे इस म्यूजिक को, हमारे जैसे कह लें इस कंट्री को, इसमें सुर और लय का जो फिजा है उसमें और तरक्की दे, और उससे बहुत सारे मसले को भी हल हो जाएंगे। और बस यही वो पता नहीं आजकल जिसके हाथ में माइक आता है छोड़ने को दिल नहीं करता है, उसमें मैं भी शामिल हो गया। तो अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं। राग जो मेरे मन में इस वक्त चल रहा है, राग बरवा, शायद कुछ लोगों के लिए ये नाम आशना ना हो, ज्यादा इसको गाया बजाया नहीं जाता। मैं आपको एक ऑप्शन भी दे देता हूँ साथ में, देश ही में करता जो अगर आपका मूड हो, लेकिन बाद में एक्चुअली देश बाद में कर लेंगे, मैं अपनी ऑप्शन वापस ले तो रात बरवा, पहले इलाप जोर झाला,
यहाँ शहबाज भाई को रेस्ट भी मिल जाएगा, और उसके बाद फिर लंबे तीन ताल, और फिर बराबर भी तीन ताल और दुरुस्त भी तीन ताल, क्योंकि ये राग बहुत बड़ा है तो इसमें मैं खतरा नहीं मोल लूंगा कोई ऐसी ताल शुरू कर दूंगा कि मैं दोनों में फंस जाऊं। तो आप लोगों की इजाजत के साथ राग बर्बाद। Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
जी 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 ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा ट्रिब्यूट आपके लिए हाजरीन की तरफ से आया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ आप, क्योंकि जिस तवज्जो से आप सब सुन रहे हैं, और यहाँ एक ट्रिब्यूट एक शेर की शक्ल में, वो है मीर तकी मीर का एक शेर दोनों असातिज़ा के लिए जो यहाँ, वे लोग तुमने एक ही शोखी में खो दिए, वे लोग, वे उस वक्त की जबान का लफ्ज था वो की जगह, वे लोग तुमने खो दिए एक ही, वे लोग तुमने एक ही शोखी में खो दिए, पाया था आसमान ने जिन्हें खाक छान लिया, ये इनके Oh.
Thank you.
है।